हाँ ठीक है, यहाँ पे अब मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। हिंदी मीडियम क्लास 10th का ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये अध्याय 8 जो है, चैप्टर 8 जो है, वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय, ये लिखा है। तो त्रिकोणमिति के परिचय शुरू कर रहा हूँ, तो इसीलिए सबसे पहले परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन इसका, कि इसमें जो है आपको प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए इसके जो फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आपको फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, और जो है आप बड़ी आराम से त्रिकोणमिति को समझ सकेंगे। पहले इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं हम। तो इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज पर आधारित है। त्रिभुज तो यहाँ जरूर हो गई होगा, है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अभी मैं, जैसा कि किताब में दिया गया है, इसमें क्लास 10th की जो बुक है, इसके हिसाब से जो इसमें छोटे छोटे सूत्र हैं यूज हो रहे हैं, वो कैसे जनरेट कैसे बनते हैं ये बता देता हूँ मैं, कि याद नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए, थोड़ा सा कुछ ट्रिक वगैरह होती हैं, ठीक है ना, उनको यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, sin cos 10 cos x, ये जो है इनको आपको ये कैसे कैसे जो है इसको यूज़ करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इस त्रिभुज में ये समझें, जैसे मान लो मैंने यहाँ मान लिया ये ABC, इस तरह से मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है ना। और ये एंगल हम अगर हम थीटा ले लेते हैं, इसको थीटा का चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। और या फिर नहीं तो एंगल ए भी माना जा सकता है, दोनों चीज़ें हैं, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं कहीं भी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये हमें ये आधार रहता है, ठीक है, ये लंब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ का कोण लेंगे तो ये आधार रहेगा, और कोण यहाँ का लेंगे तो ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, ये चेंज होते हैं। ये इसका जो पहली प्रश्नावली कराएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप इतना समझ लो, कोण के सापेक्ष, कोण के साथ में जो नीचे जो लाइन होती है वो आधार होता है, ये तो समझ ही लो, इतना मेन है बस, ये आधार है, ये लंब है, और ये है कर्ण, ठीक है। अब अगर इसके सिंबल की बात करें तो आधार को आप ए बोल दीजिए, लंब को आप एल बोल दीजिए, और कर्ण को आप के बोल दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हिंदी मीडियम में क्या चलता है, देखिए यहाँ पे हिंदी मीडियम चलता है एल ए एल के ए, ये हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम में अलग है। तो हिंदी मीडियम के लिए जो इसको पढ़ेंगे हम, एल ए एल क्या हो गया, लाल, के कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में, लेकिन इसका मतलब क्या है ये समझ लो। इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब है साइन, यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट, sin cos 10 cosec sec cot। इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो पहले से ही अवेलेबल है मेरे, 8th चैप्टर जो है अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके 8th चैप्टर सीधे सीधे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के, उसमें ये इंग्लिश में ही बताया गया है, वहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हरहर भोले इस तरह से करके बताया गया है, ठीक है। ये ट्रिक्स होती हैं, इसका उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिया है, तो अब इसका यूज़ कैसे है ये देख लें आप, ठीक है। हम इनका यूज़ फॉर्मूले बनाने में किस तरह कर रहे हैं ये ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले बनाना सीखी, यहाँ से कैसे बनते हैं फॉर्मूले, देखो जैसे साइन है, अपने साइन लिया sin थीटा, देखो sin थीटा बराबर आप लिख सकते हो 1/cosec थीटा, यहाँ sin थीटा लोगे तो 1/cosec थीटा, तो 1/cosec थीटा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला, आप cos थीटा लोगे तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा लिख सकते हो, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसी तरीके से tan थीटा बराबर लिख सकते हो 1/cot थीटा, ठीक है। चौथा फॉर्मूला, कोसेक लोगे तो 1/sin हो जाएगा, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा। पांचवा, सेक थीटा लोगे तो 1/cos थीटा, सेक थीटा लोगे तो 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा, सॉरी कॉट है, कॉट थीटा 1/tan थीटा, यानी कि ये लेंगे sin थीटा 1/cosec, कॉसेक लेंगे तो 1/sin,
इस तरह से ऐसी सारी 6 के 6 फॉर्मूले। अब अगर आप इसको लिख लो तो ये 6 फॉर्मूले यहीं से ये आ गए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे और 6 फॉर्मूले बताता हूँ, वो भी आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। देखिए फिर से ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइन, फिर से साइन थीटा बराबर, अब देखो एल बटे के लिख सकते हैं इसको, लंब बटे कर्ण, एल अपॉन के का मतलब लंब बटे कर्ण। अगर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, वो यही सिंबल से ही आप समझ लें, एल से लंब कैसे कर्ण, लंब बटे कर्ण अभी मैंने लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला हो गया, यही फॉर्मूला है, बस इतना ही है, लंब बटे कर्ण। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती है साइन थीटा की, अगर हम वैल्यू लगते हैं रखते हैं तो लंब बटे कर्ण, यहाँ पे मान लो 8 लिखा हो, यहाँ पे 12 लिखा हो तो 8/12 हो जाता है। आगे सवाल आएंगे तो ये समझ में आ जाएंगे, अभी तो सूत्र समझ लो, ठीक है। ऐसे ही साइन की जगह हम कॉस देखेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, ए का मतलब आधार बटे कर्ण, कर्ण के, कर्ण का मतलब के, आधार बटे कर्ण, ए बटे के लिख सकते हैं, मतलब सीधे सिंबल के रूप में भी लिख सकते हो आप, जैसा लिखना चाहो। अब टेन थीटा लेंगे, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। देखो जैसे हम परीक्षा में लिखेंगे तो थोड़ा ऐसे हिंदी में इस तरह लिखें, लंब बटे आधार, तो थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ, ठीक है। लिख तो वैसे भी सकते हैं, इसीलिए हम इसको कोसेक को देखो, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, के अपॉन एल, के का मतलब कर्ण और एल का मतलब लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। कोसेक के बाद सेक, सेक थीटा बराबर के बटे ए, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, ठीक है ना, ये लिखा हुआ देखो, ए आधार इस तरह से। और सेक के बाद आ जाएगा कॉट, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ए अपॉन एल, ए का मतलब आधार और एल का मतलब लंब, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले ये हो गए, दूसरा ये 3, 4, 5, 6, ये 12 फॉर्मूले तो आपके यहीं से बन गए सीधे, आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 2 फॉर्मूले इन्हें याद कर लेना, वो भी आसान है, ये ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसका उल्टा कर दो, कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन कर दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो साइन थीटा याद कर लो, साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस बटे साइन, बस 2 सूत्र ही हैं, 1, 2, तो ये कितने हो गए पूरे 12 फॉर्मूले हो गए। तो 12 फॉर्मूले आपके कंप्लीट, 10 तो कंप्लीट हो गए, 2 याद करने, इसमें से एक याद करना है, दूसरा उसका अपोजिट ही है, ठीक है। ये ज़्यादा यूज होते हैं बीच में, अभी फॉर्मूले और रह गए हैं, फॉर्मूले अभी जो बचे हैं वो अब उस एक्सरसाइज 8.1 के लिए तो ये काफ़ी है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो आएंगे उसी समय बता दूंगा मैं, उसके बाद आगे वाले फॉर्मूले उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये फॉर्मूले के आधार पे हम जो आगे सवाल करने 8.1 के वो क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो जो है इसको आप जो है समझें, और आपको समझ में आया तो और बच्चों की भी हेल्प करें यहाँ पे मैं, और ये और बताना चाहता हूँ, मेरा चैनल शुरू करने का मेरा जो पर्पज़ था वो यही था कि जो बच्चे ऐसी जगह पे हैं जहाँ जिनको कोचिंग की फैसिलिटी सही नहीं मिल पा रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि समझ में आए, इस तरह से बता रहा हूँ। फिर भी किसी बच्चे को कहीं कोई दिक्कत आती है तो कमेंट लिख के भेज सकता है, सर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, या आप ये जल्दी से बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको भी क्लियर कराऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर कीजिए, जिन बच्चों को पास ये वीडियो पहुँच रहा है वो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को अपने, तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। वीडियो शेयर कीजिए, उसका रीज़न ये है कि अब वीडियो डेली आते रहेंगे, ये नहीं कि आज नहीं आया कल, डेली वीडियो आते रहेंगे और अच्छी क्वालिटी में और अच्छे उसमें। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे फिर से बताएं, इसी तरह की से वीडियो लगातार आते रहेंगे। आप बच्चों की मदद कीजिए, शेयर कीजिए, और उनसे भी जो है कहिए कि आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये अब मैं बिल्कुल पेपर जब तक नहीं हो जाएगा लास्ट तक बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ मैं